अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो स्टूडेंट्स, हम ऑटो कैट कर रहे हैं उर्दू लैंग्वेज में, स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं। जैसा कि पिछले लेक्चर में हम सर्कल के बारे में पढ़ रहे थे, तो कैसे ड्रॉ करते हैं और उसके आगे जो जो काम है या कैसे तरीकाकार हैं वो हम आज सीखेंगे। तो उसके लिए देखें, सबसे पहले ऑटो कैट को आप ओपन कर लें, जैसे कि पहले आपने किया है या हम करते हैं पहले। जैसे तो सेटिंग अंदर से कर लें, इधर से कैंसिल कर दें बेशक। यूएन से यूनिट्स में जाएं, इंजीनियरिंग में फिट इंच कर लें, डायमेंशन स्टाइल मैनेजर में जाएं, मॉडिफाई में जाएं, प्राइमरी यूनिट्स में जाके इंजीनियरिंग में फिट और इंच कर दें। ओके, यहाँ से सेट करंट क्लोज। अच्छा जी, पॉलीगॉन, जी पॉलीगॉन रॉ में जाना है आपने। पॉलीगॉन ये सामने पड़ा हुआ है चौथे नंबर पे, पॉलीगॉन, ठीक है। और इसकी शॉर्टकट की है POL, ठीक है जी। पिछले लेक्चर में सर्कल पढ़ा था, सर्कल की शॉर्टकट थी C। हम ड्रॉ में जाके सर्कल छः किसमें हमने पढ़ी थी। तो इस लेक्चर में हम देखें पॉलीगॉन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखें पॉलीगॉन पे हम करते हैं क्लिक। जब पॉलीगॉन पे क्लिक करेंगे, यहाँ आप कीबोर्ड से POL प्रेस कर लेंगे। सबसे पहले देखें अब क्या करें, इंटर नंबर ऑफ साइड्स, ये नीचे भी बता रहा है, ये सामने भी बता रहा है, इसके साथ कर्सर के साथ बता रहा है, ठीक है। कर्सर के साथ ना भी बता रहा हो तो आपको नीचे लाजमी बताएगा कमांड में, कमांड उसमें, कमांड इसमें डेस्कटॉप कमांड लिस्ट में बताएगा आपको, ठीक है जी। तो अब देखें इंटर नंबर ऑफ साइड्स, सबसे पहले तो इंटर नंबर ऑफ साइड 4 हैं, बाई डिफॉल्ट 4 है। अगर आप क्लिक करके ड्रा करते हैं तो आपकी 4 आएंगी, तो मैं 4 की बजाय 6 कर लेता हूँ, ठीक है जी। 6 कीबोर्ड से 6 लिख के आपने एंटर करना है। एंटर करने के बाद वो कह रहा है जी स्पेसिफाई सेंटर ऑफ पॉलीगॉन, कि आपने सेंटर पॉइंट देना है पॉलीगॉन का, तो आपने कहीं भी एज कर देना है, यानी क्लिक कर देना है। ये क्लिक किया, क्लिक करने के बाद अब देखें इंस्क्राइब इन सर्कल, सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट सर्कल, ठीक है। तो ये क्या चीज़ है ये भी मैं बताता हूँ। सबसे पहले देखें इंस्क्राइब्ड इन सर्कल कर देते हैं हम, सॉरी गलती से हो गया ये। देखें दोबारा ड्रा में जाएं, पॉलीगॉन 6 साइडेड, एंटर, क्लिक, ये इंस्क्राइब्ड इन सर्कल। तो अब देखें क्लिक करें, क्लिक हैर हुआ हुआ है, आपने सिर्फ आगे पीछे सर्कल को उसको करना है, माउस को करना है। तो अब देखें ये, देखें अब ये आ रहा है। तो हमने कितना लगाना है, जैसे फॉर एग्जांपल हम लगा लेते हैं 3 इंच का, 4 इंच का, 4 लिख के आपने एंटर कर देना है। अब ये 4, जेड इंटर, ई इंटर, ताकि ये सामने आ जाए, ठीक है। तो ये अब 4 इंच का, ठीक है जी। अब देखें इंस्क्राइब्ड इन सर्कल के मतलब होता है कि ये जो है सर्कल के अंदर लगेगा, ठीक है जी। तो हमें कैसे पता चलेगा, हमें कैसे पता चलेगा, हम सर्कल लगा लेते हैं एक, यहाँ से तकरीबन लेते हैं 4 इंच का, 4 लिख के एंटर करें। अब देखें तो सर्कल तो लग गया, लेकिन ये सही इनके कॉर्नर के साथ टच नहीं है। उसकी वजह यह है कि हम मिड सही, जो हमें मिड नहीं मिला इसका, हमने अंदाजे से लगाया ना, तो मिड पहले निकालेंगे। मिड निकालने के लिए देखें क्या करते हैं हम, सबसे पहले ये लाइन लगाएंगे हम मिड से मिड, और ये कॉर्नर टू कॉर्नर यानी मिड। तो अब ये इसका मिडल पॉइंट आ गया आपके पास, ठीक है जी। यहाँ पे आप सर्कल लगा लें 4 इंच का, 4 लिख के एंटर करें। आप देखें ये इंस्क्रिप्ट इन, आप देखें, ठीक है जी। अब ये सारे कॉर्नर टच भी कर रहे हैं, ठीक है जी। अब इसी तरह फॉर एग्जाम्पल आप लगा लेते हैं दोबारा पॉलीगॉन, POL से पॉलीगॉन 6 की बजाय 7, ठीक है जी। 7 लगा लिया, अब 7 एंटर, क्लिक सेंटर पॉइंट, इंस्क्राइब्ड इन सर्कल, वही 4, लो जी। अब आप सर्कल लगाएं, तो अब देखें ये तो सेंटर में नहीं आएगा, यहाँ से अगर यहाँ तक लगाएं तो इसका सेंटर हमें तो मालूम है ना, तो इसका सेंटर से भी हम लगा सकते हैं। अब देखिए इसके सेंटर से हम लगाते हैं 4 इंच, तो ये फिर भी सब कॉर्नर के साथ, बल्कि किसी के साथ भी टच नहीं है। अब क्या है, हमें सबसे पहले इसका मिड निकालना पड़ेगा। तो मिड निकालने के लिए अब देखें
ये कॉर्नर और इसके सामने वाले का सेंटर, इस कॉर्नर के सामने वाले का सेंटर, ये कॉर्नर सेंटर, ये कॉर्नर सॉरी सामने वाले का ये सेंटर, और कोई कॉर्नर, यहाँ ये इसका सेंटर, ये कॉर्नर इसका सेंटर। तो अब हमारे पास ये मिड पॉइंट, थोड़ा जूम भी कर सकते हैं आप ज़रा, ये आप 4 इंच लगाएं, हाँ जी आप सबके साथ टच हो रहा है, ठीक है जी, सारे कॉर्नर के साथ अब टच हो रहा है, ठीक हो गया। तो ये क्लियर हो गया। अब आते हैं दूसरी तरफ, दोबारा देखें, पॉलीगन पे क्लिक, सिक्स हेडेड, सिक्स एंटर क्लिक, सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट सर्कल, इस पर क्लिक किया अब हमने, ठीक है जी, वही 4 इंच, 4 इंच लगा लें। अब देखें उसी तरह मिड लेते हैं जी, अब आप सर्कल लें, सेंटर में आए, 4 इंच लगाएं। अब देखें पॉलीगन के अंदर सर्कल अब आ रहा है, ठीक हो गया, पहले पॉलीगन से बाहर आ रहा था, अब ये अंदर आ गया, अब ये दोनों में फर्क है पॉलीगन से, तो ये तो हो गया दोनों फर्क। अब देखें एक और चीज, अब ये हमारे पास कॉर्नर है, तो हम डिमेंशन में जाके लेजेंड लेते हैं, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक मैं चेक करते हैं, तो हमने तो 4 का लगाया है, तो ये तो 5 आ रहा है, देखें 5 5 5, हमने 4 का लगाया था, लेकिन ये 5 का क्यों आ रहा है, इसकी क्या वजह। तो अब देखें दोबारा पीएल से पॉलीगन, ये 6 हेडेड, एंटर क्लिक, इंस्क्राइब लगाएं सर या दूसरा लगा लें, जो मर्जी लगा लें। तो जब आप इसको लगाएंगे 4 इंच, या जैसे देखें मैंने 4 इंच का लगा लिया, अब डिमेंशन में जाता हूँ मैं, लेजेंड लेता हूँ, सॉरी एक मिनट, कैसे आ गया, हाँ ये तो ठीक है, सॉरी देखते हैं दोबारा पॉलीगन, इसमें जाएं ड्रॉ में जाएं पॉलीगन। अब हम देखें 6 हेडेड लगाते हैं, तो 6 हेडेड लगाने के लिए हम सबसे पहले तो हम इंटर करेंगे, इंटर करने के बाद पहले हम लगाते थे, अब यहाँ पे क्या करते थे, हम इसको सेंटर पॉइंट देते थे और लगा देते थे, लेकिन अब हम इसके एज देते हैं, देखें नीचे ये नज़र आ रहा होगा आपको एज, एज के लिए आपने ई प्रेस करना है, ई प्रेस करने के लिए क्लिक क्लिक करें। अब देखें एज, एज ये वाला एज मैं देता हूँ उसका 5 का 5 लिख के एंटर। अब आप डिमेंशन में जाएं, एलेजेंट में आए, तो देखें ये देखें, अब ये एज के हिसाब से लगाया मैंने, ठीक है जी। अब देखें इसमें ये होगा कि अगर आप सर्कल लगाते हैं, आप लाइन लगा लें मिड से, अब इसका सर्कल लगा लें, आप सर्कल आप लगा लें इधर से, अगर आप इधर तक लगा लेते हैं तो फिर इसका ये रेडियस आएगा पूरा 5, ठीक है जी। और अगर आप यहाँ से यहाँ तक लगाते हैं ये, तो फिर डिमेंशन में जाकर रेडियस चेक करें, तो अब आपका आएगा 4, ठीक हो गया जी। तो स्टूडेंट्स ये थे पॉलीगन, अब देखें जैसे सर्कल पड़ा था पॉलीगन पड़ा था, ये बहुत अहम कमांड हैं दोनों, तो इसके आगे असल में मकसद कमांड पढ़ना नहीं, मकसद है कि उनकी आगे डिटेल्स में जाना, डिटेल क्या है, एज का क्या मकसद है, इंस्क्राइब्ड इन सर्कल क्या है, सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट सर्कल क्या है, जैसे सर्कल पढ़े थे सिर्फ सर्कल 2.3 पॉइंट, टेन टेन रेडियस, टेन 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 सेंटर रेडियस, सेंटर डायमीटर, तो बच्चा इस तरह ये भी आपको ज़रूरी समझना है, वर्किंग करें फील्ड में काम करें तो आपको किसी किस्म का कोई इशू ना हो, तो ये सारा काम प्रैक्टिस से होगा, प्रैक्टिस करते रहें, हर लेक्चर में आपको बताता हूँ प्रैक्टिस किया करें, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ आया आ गई होगी, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर के लिए इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे, अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।